377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामले जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है वो अपने विषयों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। नाउ आइटम नंबर 29-31 श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है सर, बड़ा बिल है। इस देश के 130 करोड़ लोगों को जिस बिल से राहत मिलने वाली है, जो बिल गांव, गरीब, किसान, महिला, बच्चे सबों को राहत पहुंचाने वाले हैं, उस बिल को लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं, माननीय गृहमंत्री जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने बरसों बाद 163 साल बाद इस कानून को बदलने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो वहां एक बड़ा अच्छा वाक्य है, यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय। ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट हमेशा जो सुदूर बैठा हुआ आदमी है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए हम सभी सांसद यहां चर्चा करने के लिए आते हैं। और इसके लिए 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। कल काफी इसके ऊपर चर्चा हुई सभापति महोदय। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों ने दो चीजें इस देश में दी, ये बड़ा विद्वान सदन है, सभी इसके जानकार हैं। जो रविशंकर प्रसाद जी ने जहां से समाप्त किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इस देश में मैकाले ने दो चीजें दी, एक मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जिसमें कि हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे अंग्रेजों की गुलामी के लिए वो अक्षर लिखा पढ़ी कर सकते हैं, तो एक वो शिक्षा पद्धति दी। और एक ये 1860 का जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता हमने अभी नाम दिया इसे, और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दो बड़े काम किए इस लोकसभा में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो एक बड़ा काम हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो दो निशानी थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी वो नई शिक्षा पद्धति दी, और ये 1860 का जो इंडियन पैनल कोड था उसको खत्म करने का फैसला किया। लेकिन मुझे दुख होता है सर कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा ये होती है कि ये इंडियन पैनल कोड था, ये सीआरपीसी था, आप इसको बदल लें। मुझे ये नहीं लगता कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो समझते हैं सर, वो अपने ऊपर उनको घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है। यहां जो सीआरपीसी आईपीसी की बात चल रही है, दो चीजें इस देश में चली सर जिसके आधार पर कि दंड मिलता था, न्याय मिलता था, वो याज्ञवल्क स्मृति था, जिनको कि वेद में, अपने हिंदुत्व होने में, भारतीय होने में जिनको घमंड हो कि याज्ञवल्क स्मृति ऐसी थी जिसमें कि दंड निर्धारित था, और दूसरा जो है चाणक्य की अर्थनीति था जिसमें कि दंड निर्धारित था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं वो चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे हैं। सर चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे सभापति महोदय, कि चाणक्य जो है, चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग होता था, और यदि सरकारी मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग था। इस तरह की भावना, यही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। उसी तरह से याज्ञवल्क स्मृति के आधार पर जो मिताक्षरी लॉ यहां लागू था वो किस तरह का था, वो ये कहता था कि 80 साल के जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर किस तरह का न्याय होगा, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो महिलाएं हैं
उनके ऊपर क्या न्याय लागू होगा, जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर क्या लागू होगा। लेकिन हमने क्या किया, एक जो गुलामी की मानसिकता है, इस गुलामी की मानसिकता ने हमारी सोच को कंप्लीट बदल दिया। कंप्लीट इसलिए बदल दिया सर कि हम अंग्रेजों की तो बात करते हैं कि 1757 के बाद पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बहुत आए, अंग्रेजों का ये कानून है, अंग्रेजों वापस जाओ। लेकिन जो मुगल आए 1526 में, उसके बारे में कभी याद करते हैं सर? जो छठी शताब्दी के बाद गुलाम वंश का हमारे ऊपर शासन हुआ, छठी शताब्दी के पहले तो यहां कोई मुस्लिम था ही नहीं, तो क्या छठी शताब्दी के पहले इस देश में कोई नियम कानून लागू नहीं था? क्या इस शिक्षा पद्धति ने हमको अकबर बाबर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तो हम अकबर बाबर, मैकाले और लॉर्ड हेडिंग्स ही पढ़ते रहे? क्या हमने कभी पढ़ने का कोशिश किया है कि किस तरह से याज्ञवल्क ने क्या किया, पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया, चाणक्य की क्या थ्योरी थी, अशोका द ग्रेट हुआ तो उसने क्या किया, उसी तरह से उसके जो नियम कानून थे क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने 158 मीटिंग के अलावा, हमारी ही सरकार जिसको कि लगता है कि हमारी सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, बुलडोज करती है, अपोजिशन को सामने नहीं आने देती, उसके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी सरकार में ही इतना दम था कि जिस बिल को हमने यहां इंट्रोड्यूस किया अध्यक्ष महोदय, और लगा स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद कि इसमें और भी चेंजेज की आवश्यकता है, और स्टैंडिंग कमेटी ने जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, उन्होंने जब कहा कि इस बिल को और बदलने की आवश्यकता है, तो उस बिल को हमारी सरकार ने वापस लिया और एक नए बिल के साथ हम आए जिसमें कि स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी रिकमेंडेशन थे उसको हमने जो है इंक्लूड किया। सर, जब स्टैंडिंग कमेटी में मैं गया तो तीन पुलिस अफसर, ब्रिजलाल जी जो इसके अध्यक्ष थे, और कल जो दो लोगों का आपने भाषण सुना, इस एक्ट में क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या अच्छा बात है मैं बताना चाहता हूं सर। सत्यपाल जी और बीडी राम, ये तीन जो है डीजीपी रहे, बड़े अपराइट अफसर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की। कल इनके भाषण को भी सुना और मैं स्टैंडिंग कमेटी में जब था तब उसको सुना सर। ये लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को जो है अधिकार देना चाहिए, पुलिस के सामने जो एडमिशन आप लेते हैं, जो आप अपना बात कहते हैं, उसको जो है कोर्ट माना जाए, 164 का स्टेटमेंट माना जाए। लेकिन हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृहमंत्री जी के नेतृत्व में, वो इतनी कमिटेड है, उसका कहना है कि ये आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, हम पुलिस राज नहीं लागू कर सकते। और इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि वो अपने पुलिस के नजरिए से बोलते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत नजरिए से बोलता हूं सर। मैं गया चुनाव में, और ये सभी एमपी को जानने वाली बात है कि जब मैं 2009 में चुनाव में गया तो मेरे ऊपर या मेरे किसी परिवार के ऊपर ना नाना के तरफ से ना दादा के तरफ से 7 पुश्त में एक भी केस नहीं था। 2009 में मैं जब ने नॉमिनेशन फाइल किया सर, तो 2009 में मैं कहता था कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जिसके ऊपर एक एफआईआर नहीं है। मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर मर्डर के, ट्रीजन के, लूटमार के, हत्या के, चोरी के, डकैती के सभी केस। लेकिन जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, और बीडी राम साहब यहां बैठे हुए हैं, तत्कालीन डीजीपी थे जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था, बड़े अपराइट अफसर हैं, इनके ऊपर एक फिल्म गंगाजल बन चुकी है सर, मेरे जिले के ये एसपी रहे 1980 में। जब चुनाव जिस दिन खत्म हुआ अध्यक्ष महोदय, उस दिन मेरे ऊपर और मेरे पत्नी के ऊपर 307 का केस था। पहला केस जो मेरे ऊपर आया वो अटेम्प्ट टू मर्डर का हुआ। उल्टा मेरी ही गाड़ी जलाई गई, मेरी गाड़ी को आग लगा दिया गया, एसपी वहां खड़ा था। इसके बाद भी 307 का मैं एक्यूज्ड। 2009 में सर, आप कहते हैं कि एमपी एमएलए के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है एक अलग केस है। 2009 में मेरे एक कार्यकर्ता को कहा कि ये बम बना रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया, उसके रोड जाम का केस है सर। 2009 से लेके आज 2023, 14 साल से मैं लड़ रहा हूं इस पुलिस से। एक एससी एसटी का केस है सर देवघर में, जिस दिन की मैं इंग्लैंड में मौजूद था पूरे परिवार के साथ, आप ये समझिए, उसके बाद भी कहा गया कि मैंने जाकर किसी को गाली दे दी। क्या इस तरह के चेंजेस नहीं होने चाहिए?
क्या जीरो एफआईआर नहीं होना चाहिए, क्या ई एफआईआर नहीं होना चाहिए, क्या पुलिस को जो है उस अधिकार से आम लोगों को बचाने के लिए यदि इस एक्ट में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ये आमूलचूल परिवर्तन किया है तो क्या आम जनता को राहत देने के लिए नहीं किया है? जिस पुलिसिया राज में सांसद तक सुरक्षित नहीं है, जिस पुलिसिया राज में कोई अच्छा आदमी डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर तक सुरक्षित नहीं है, क्या उसमें हम पुलिस राज बना देंगे? इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो किसी दबाव में नहीं आए और ये पुलिसिया राज से जो है मुक्त करने का ये बिल लेकर आए। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक बढ़ जाता है। यह विरोध क्यों? पूरा का पूरा अपोजिशन दो वीक बड़े अच्छे से सांसद चलाता रहा। आज अपोजिशन के लोगों ने खुद ही यह निर्णय किया कि मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी से निकालो। अभी भी जो ये तीन चार लोग हैं सर, जिस तरह से कागज फेंक रहे हैं, आपने कभी निर्णय सोचा कि इसके बारे में कि क्या कांग्रेस और उनके समर्थित पार्टियों का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है सर कि इनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी इस तरह का काम करके चला जाएगा कि फिर इन लोगों को जो है वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है कल कैंडिडेट बनाया गया प्रधानमंत्री जी का। आप समझिए कि केवल लिप सर्विस किस तरह से कांग्रेस करती है और किस तरह का माहौल पैदा करती है। अंबेडकर जी को जिस कांग्रेस ने कि हराया, योगेंद्र मंडल जी को बांग्लादेश पाकिस्तान भगा दिया, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, आज उसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आते हैं। उनको यह लगता है कि यह बिल यदि आ जाएगा तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फायदा हो जाए। उनको यह लगता है कि कालेलकर कमेटी के बाद भी हमने ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया, मंडल कमीशन के बाद भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी के जो अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी उनको हमने बेइज्जत करके कांग्रेस से निकाल दिया, फिर भी ओबीसी जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो ये ओबीसी मूर्ख हैं। उनको लगता है कि ये जो बिल आ रहा है इसमें ओबीसी को फायदा होगा, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं, आप ये समझें कि इनको सीआरपीसी, आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था, भारतीय एविडेंस एक्ट में जो समस्या नजर आ रही है कि 130 करोड़ लोगों को राहत आएगी, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट का विषय, और मैं ये सारे लोगों के चूंकि अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है इसलिए जानकारी देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की जो उस दिन की घटना है वो 27वीं घटना है। माननीय अध्यक्ष जी ने 17 घटनाओं का जिक्र किया है, 10 घटनाओं का जिक्र मैं कर देता हूं। 1960 का सवाल हो, 1962 का सवाल हो, 1964 का सवाल हो, 1966 का सवाल हो, 1971 का सवाल हो, वहां से लेके लगातार कांग्रेस के लोग तेरे और कांग्रेस के लोग यहां कभी भी पार्लियामेंट में किसी अपोजिशन पार्टी ने, चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस वक्त की जनता दल हो, कभी किसी ने पार्लियामेंट रोकने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि संसद जो है, संसद का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको मैनेज करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सेक्रेटेरिएट पर इस सदन में कभी चर्चा नहीं हुई। लेकिन पहली बार ऐसा है सर, क्योंकि ये बिल आ रहा था और ये बिल आम गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित के सम्मान के लिए आ रहा था, इस बिल को किसी तरह से नहीं पास करें इसके लिए ये विरोध की राजनीति कांग्रेस कर रही है और नहीं मुद्दे को वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, ये इसका सवाल है सर। मैंने देखा डिसेंट नॉट ऑफ डिसेंट, जिसके ऊपर बहुत कम चर्चा हुई। आप मानसिकता समझ सकते हैं सर कि कांग्रेस और उसके अपोजिशन की क्या मानसिकता है। उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया है, नोट ऑफ डिसेंट उन्होंने तीन चार विषय पर दिया है इस बिल पर, जिससे कि आपको लगेगा कि वो विरोध क्यों कर रहे थे। एक उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया सर कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य बिल है, ये जो है हिंदी में है, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड, मतलब देश को बांटने के लिए, पाकिस्तान और भारत के बांटने के बाद भी आज उनको खुशी नहीं है कि भारत यूनाइटेड है, भारत मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए तैयार है, यह उनको मंजूर नहीं है सर। उन्होंने कहा कि यह हिंदी है। आप यह समझें सर
ये जो पार्लियामेंट है, पुराना पार्लियामेंट जहां से कि अभी हम लोग नए पार्लियामेंट में आए, जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो साउथ ब्लॉक है, जो सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात की कि यतो धर्मा ततो जया, या राष्ट्रपति भवन है सर, ये सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई, हमने नहीं बनाई सर। आज हम भले नए बिल्डिंग में आ गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नया बिल्डिंग दिया, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के सारे मित्रों को कि जाकर एक बार दोबारा पढ़िए। 70 साल आप वहां गए होंगे तो केवल पैसा कमाने के लिए गए होंगे, आपने कुछ देखा नहीं होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। सभी बिल्डिंग में केवल और केवल संस्कृत के श्लोक हैं सर, एक भी अंग्रेजी का कोई वाक्य नहीं है, एक भी बाइबिल का कोई वाक्य नहीं है, एक भी कुरान का कोई वाक्य नहीं है। तो क्या आप उस बिल्डिंग में जाकर नहीं बैठे? और हिंदी जो है, हिंदी कौन सी मानसिकता है सर? आज आप समझिए कि पूजा होता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यदि आप जाइए तो कोई भी पंडित हो, चाहे वो तमिल बोलने वाला हो, तेलुगु बोलने वाला हो, मलयालम बोलने वाला हो, भोजपुरी कन्नड़ बोलने वाला हो, वो सभी संस्कृत में ही पूजा कराता है। और यही मानसिकता है सर कि उनको जो गुलामी की मानसिकता, भूलने की मानसिकता है, जिसके ऊपर मैं कह रहा था कि ये देश जो है मुगल काल से देश नहीं है, ये काल मुगल या अंग्रेजों के आने के बाद ये देश नहीं बना है, ये देश जो है 4 वेद 13 उपनिषद और रामायण और महाभारत हजारों हजार साल से आया है। और उसी मानसिकता के साथ यदि आप बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो विरोध आप कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं। दूसरा जो उनका विरोध है सर, उनका विरोध है कि लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं फांसी होनी चाहिए? पोटा के कानून को आपने रोका, उसके आधार पर उसके बाद आप यूएपीए लेकर आ गए, उसके बाद आप एनआईए बना लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस देश में टेररिस्ट आ जाए, दाऊद इब्राहिम बम विस्फोट करके चला जाए, लेकिन उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? ये कानून से फांसी, और आप कहेंगे कि अभी तक 6 ही लोगों को हमने फांसी दी है। कानून जो है सर, कानून केवल भय दिखाता है। कानून बताता है कि आप यदि गलत काम करेंगे तो आपको इतनी बड़ी सजा हो सकती है। इसमें कन्विक्शन कितना हुआ, फांसी क्या हुआ, ये आतंकवाद के खिलाफ जो इसमें हमने एक बड़ा कानून जो बनाया है सर, टेररिज्म को जो हमने डिफाइन किया है, टेररिस्ट एक्टिविटी को जो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया। नोट ऑफ डिसेंट का एक और अच्छा बात बताऊं सर, लोग कहते हैं आप दिग्विजय सिंह का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, अधीर चौधरी जी का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, रवनीत बिट्टू का नोट ऑफ डिसेंट देख लीजिए, तीनों ने अलग अलग नोट ऑफ डिसेंट दिया है, तीनों का लाइन कॉमा फुल स्टॉप सब एक ही है सर। यदि तीनों का लाइन कॉमा फुल स्टॉप एक ही था तो आप एक ही लेटर पर साइन कर देते, अधीर रंजन चौधरी के लेटर पर साइन कर देते और साइन कर देते सर, लेकिन सबको अपना नाम लेना है, ये विरोध की बात है सर। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि दूसरा उनका विरोध है सर कि जो आउटसाइड में लोग हैं उनका कन्विक्शन कैसे होगा। अब दाऊद इब्राहिम 93 में बम विस्फोट करके चला गया, पाकिस्तान भाग गया, यदि वो हमारे यहां नहीं आ रहा है सर, बस 5 मिनट में जो है मैं खत्म करूंगा सभापति, मुझे पता है कि और भी बहुत वक्ता है बोलने के लिए, लेकिन दाऊद इब्राहिम यदि नहीं आ रहा है, उसकी संपत्ति यहां पड़ी हुई है, यदि उसने देश के खिलाफ विरोध किया, इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह किया, तो क्या आप उसकी संपत्ति जब्त नहीं करेंगे? क्या उसके ऊपर जो है आपको फांसी की सजा नहीं करनी? इसके लिए वो विरोध करते हैं। यदि विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, यदि वो चला गया और हमारे यहाँ के बैंक को जो है वो खाली खोखला करके चला गया, आम लोगों को परेशान करके चला गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको कन्विक्ट करें? वो कहीं यदि भाग गया तो उसको कन्विक्शन नहीं होना चाहिए? उसका विरोध है सर कि आप इस तरह का काम नहीं करिए, इससे एफडीआई नहीं आएगा, चीजें नहीं आएगा। मैं कल बता रहा हूं कांग्रेस की मानसिकता, हिंदी के विरोध की मानसिकता है, टेररिस्ट मानसिकता है, आउटसाइड इंडिया में जो लोग रहते हैं, ये उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट में दिया है सर, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूं। दूसरा सवाल है, कई एक लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि ये सरकार ऐसी है जो आम लोगों के लिए चिंतित है। हमारी तरफ से भी वक्ता बोलते रहे काफी कि अडल्ट्रेशन पर यह होना चाहिए, आंदोलन पर यह होना चाहिए। कई एक एक्ट ऐसे हैं जो स्पेशल एक्ट, एडल्ट्रेशन का अलग से एक्ट है, उसमें फांसी तक की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है, इसीलिए आईपीसी में यदि ये धारा इस तरह से है तो इसमें आपको भारतीय न्याय संहिता में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सर। और चौथा जो उनका विरोध है सर, जो मेन विरोध है,
कि पुराना ही बिल है उसको कट पेस्ट करके जो है हमने डाल दिया। अब आप ये बताएं कि आजादी का ये 75 साल है, हमारे पहले भी यहां सांसद होते रहे, इस पार्लियामेंट में किस तरह की चर्चा होती है सर? किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए। उसी तरह से महिलाओं के ऊपर यदि जुर्म होगा तो क्या सजा होनी चाहिए, गैंग रेप होगा क्या सजा होना चाहिए, टेररिज्म का होगा क्या सजा होना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि कोई और भी अलग बातचीत हो सकती है क्या सर? हो सकती है? आर्म फोर्सेस के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एडल्ट्री के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हम 377 और एडल्ट्री के खिलाफ हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यतो धर्म ततो जय की बात कही, तो उन्होंने जय की बात नहीं कही, धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी धर्म जो है एडल्ट्री को और 377 को जो है अननेचुरल सेक्स को बढ़ावा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया वो गलत किया और सारे लोगों ने आग्रह किया है सरकार जो भी होगी सरकार बातचीत करेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य जब मेन विषय है तो कोई भी यदि सजा देनी होगी, मर्डर का जो सजा होगा, रेप का जो सजा होगा वो बराबर होगा। तो उसके लिए आप कहेंगे कि हमने जो है पुरानी बोतल में जो है नई शराब डाल दी या नई शराब जो है पुरानी बोतल में डाल दी? हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो मुगलों की निशानी थी, जो अंग्रेजों की निशानी थी, उसको मिटाकर भारतीय परंपरा को स्थापित करने के लिए ये बिल लाने का फैसला किया है। भारतीय मानसिकता के साथ कि हमारे यहाँ पिता का पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, ज्वाइंट फैमिली में किस तरह का संबंध होता है वो लेकर आए हैं। अंत में मैं दिनकर की एक कविता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि कह दे शंकर से आज कहे, क्योंकि मैं बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र से आता हूं सर, 12 ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र से, कि कह दे शंकर से आज कहे, वो प्रथम दिव्य फिर एक बार कहे, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का जयकारा, हर हर बम बम का जयकारा, और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो फिर से कायम हो, 130 करोड़ लोगों को न्याय मिले। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। चेयरमैन